बालोद के जंगलों में इकट्ठा हुए कंगला मांझी की सेना के हजारों सैनिक। अमित शाह ने संसद में सेवादारी प्रथा और भारतीय सेना के बारे में क्या कहा? नमस्कार, स्वागत है आपका खरबाजी के इस अड्डे पर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के जंगलों में आज लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिन्हें देखने से लगता है कि जैसे बड़ी संख्या में सैलानी आए हों। हालांकि ये सैलानी नहीं बल्कि सेनानी है, जो देश के अलग अलग राज्यों से बालोद आए हैं। दरअसल ये सभी आदिवासी हैं और कंगला मांझी की सेना के सिपाही हैं। इनमें युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हैं। ये सभी लोग अपने नेता कंगला मांझी की याद में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। कौन थे कंगला मांझी? कंगला मांझी एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने आदिवासियों को सशक्त और एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1913 में वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। कांकोर जिले के तेलावट में जन्मे कंगला मांझी राष्ट्रवादी नेता थे। अंग्रेजी शासन काल में अन्याय से तंग आकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर अपनी सेना का गठन किया था, जिसके सैनिक आजाद हिंद फौज की तरह ही वर्दी पहनते हैं और वर्दी पर स्टार भी लगाते हैं। हालांकि कंगला मांझी की सेना के सैनिकों का रास्ता अहिंसा और शांति वाला है। देश भर में कंगला मांझी की सेना के करीब 2 लाख सैनिक हैं, जो आदिवासियों की रक्षा और उनके अधिकारियों के लिए काम करते हैं। कंगला मांझी स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे लोगों ने टेंट पेड़ों के नीचे कड़कड़ाती ठंड में रात गुजारी। बीती 5 दिसंबर को कंगला मांझी स्मृति कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने भी शिरकत की थी। इस दौरान राज्यपाल ने कंगला मांझी की जमकर तारीफ की और आदिवासियों के उत्थान में उनकी भूमिका की खूब सराहना की। कंगला मांझी के निधन के बाद बिखर गया संगठन। साल 1984 में कंगला मांझी का निधन हो गया, जिसके बाद उनका ये संगठन कमजोर हो गया। 1992 के आसपास महाराष्ट्र में टाडा कानून लागू हुआ था, जिसके चलते रात में नक्सली और दिन में पुलिसकर्मी आदिवासी इलाके में आते थे। धारा 144 लागू होने के चलते कई ग्रामीणों को पुलिस उठाकर भी ले गई। ऐसे में उत्पीड़न से परेशान होकर कुछ आदिवासी लोगों ने जहर पीकर जान दी थी। ऐसे हालात में कंगला मांझी का संगठन फिर से सक्रिय हुआ और उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। नागालैंड पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गलत पहचान की वजह से हुई फायरिंग। नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा, गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।